हेलो एवरीवन वेलकम टू अनदर वीडियो और आज बात करेंगे हम सिलीकॉन वैली बैंक कोलैप्स के बारे में सो इट इज़ द बिगेस्ट कोलेप्स सिंस टू थाउजेंड एंड एट काट इज द द्ड बिगेस्ट कोलेप्स इन एंटायर हिस्ट्री सो so, इससे पता चलता है कि जरूर रिसेशन जो है वो फॉर श्योर कहीं ना कहीं हिट कर रहा है एंड ऑल्सो योजस है वो इंडियन स्टार्टअप इको सिस्टम को भी जो वो अफेक्ट करेगा बिकॉज जो सिलिकॉन वैली बैंक है वो जो है बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है बहुत ही सारे स्टार्टअप्स के जो बैक करते हैं लाइक वाई सी कॉम्बिनेटर्स चेको इंडिया सॉफ्ट बैंक ऑल्सो उनका जो है उनको फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है तो उस तरीके से इनडायरेक्टली काइंड ऑफ जो है इंडियन स्टार्टअप इको सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा जो अफेक्ट पड़ने वाला है इफ़ यू टॉक अबाउट शेयर नंबर तो टू हंड्रेड एंड फिफ्टी थाउजेंड यू एस डॉलर्स मनी मतलब इंडियन स्टार्टअप्स का जो है वो एक तरीके से इस बैंक के साथ अटैच है तो अफेक्ट करेगा एंड डिपॉजिटर्स की बात करें तो वन हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव बिलियन यू एस डॉलर्स इस बैंक में के साथ जो है वो असोसिएटेड है तो लेट सी की ट्रिगर पॉइंट क्या आता है एंड वॉट वुड भी दिन नेक्स्ट फॉर दिस बैंक बट बिफोर दैट मेक यू टू सब्सक्राइब द चैनल लाइक करो शेयर करो एंड कॉमेंट प्लीज़ वट एवर यू फील लाइक सो सिलिकॉन वैली बैंक इज अ कमर्शियल बैंक विच प्रोवाइडेड फाइनेंशियल सर्विसेज टू स्टार्टअप हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स एज वेल और ओवरऑल जो सारी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये 1983 से बैंक चल रहा है तो नया नहीं है बहुत ज्यादा पुराना मैकेट ऑल्सो इसको बहुत ज़्यादा लीडिंग भी माना जाता है बट दे आर सम इश्यूज सो हम ट्रिगर के के तो, exactly की बात करें तो वॉट एग्जैक्टली हैपन की ड्यूरिंग द पैंडमिक इंटस्ट्रीज टू वर्ट स्लोअर बट उसके बाद जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ने लग गया इन द रिसेंट टाइम इंडस्ट्रीज इतना ज़्यादा बढ़ गया यूएस फेडरल को बढ़ाना पड़ा बिकॉज टू टू काउंटर दी इन्फ्लेशन उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ा बट उसी वजह से जो है इन्वेस्टर्स का जो है एक तरीके से इंटरेस्ट Uh, मतलब क्या कहें इनका जो इंटरेस्ट चला गया इन्वेस्ट करने में वो जो है इन फंडिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होने लग गई एक तरह की जो स्टार्टअप विंटर भी फंडिंग विंटर भी जो कह रहे थे उसका बहुत ही ज़्यादा मेजर इफेक्ट पड़ा है तो इन्वेस्टर्स जो है वो कम होते रहे ज़्यादा पैसा नहीं आया है सिस्टम में उसकी वजह से सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो मनी लिक्विडेट करने में जो है इशूज आ रहे थे उनको वो सर्व नहीं कर पा रहा था उतने आता विड्रॉल्स एंड टू सर्व देट उन्होंने जो है अपनी एक पोर्टफोलियो जो है वो सेल आउट करा ऑफ ट्वेंटी वन बिलियन डॉलर्स बट उन पर उन पर इतना ज़्यादा प्रेशर था कि उन्होंने जो वो सेल आउट करा वो वन पॉइंट एट बिलियन लॉस भी सेल आउट करा जिसकी वजह से जो है कम्पलीट इश्यू आया है सो वन पॉइंट एट बिलियन को जो कवर करने के लिए उन्होंने जो है एक अनाउंसमेंट uh, करी दे विल भी सेलिंग आउट एक्विटी वर्थ ऑफ टू बिलियन डॉलर्स अब ये अनाउंसमेंट ने जो है मार्केट हिला के रख दी अराउंड सिक्सटी परसेंट ऑफ द शेयर्स जो है वो सिलिकॉन वैली बैंक के डाउन चले गए जितने भी ऑलरेडी डिपॉजिटर्स इन्वेस्टर्स थे एस में उनका ट्रस्ट बहुत ही ज़्यादा जो है प्लोमेट कर गया उनका भरोसा एक तरह से उठ गया बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो गया मार्केट में जिसकी वजह से सारे इन्वेस्टर्स का जो है उन्होंने मनी निकालना चालू कर दिया और ज़्यादा जो बुरी हालत हो गई वैली बैंक की सो आई वॉन्टेड टू एड टू मोर थिंग्स इन दिस वीडियो सो सिलीकॉन वैली बैंक को जो है लिलॉन मस्क ने ऑफर करा था कि दे कैन बाई इट मीन जो है ट्विटर जो है वो सिलिकॉन वैली बैंक को खरीद सकता है एंड सेकेंड इसके सिलिकॉन वैली बैंक का जो सी है उन्होंने अपने थ्री पॉइंट फाइव मिलियन स्टॉक जो है वो सेल आउट कर दिए थे करीब करीब दो वीक्स पहले सो दिस तो सिलीकॉन वैली बैंक जो है वो कोलेप्स हो चुका है बट उसे जो है फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉपोरेशन ने टेक ओवर कर दिया एंड दे विल बी वर्किंग ऑफ इन द वीकेंड्स और ये जो एक्चुअली न्यूज आई थी ना ये थर्सडेज आई थी एंड इट टुक जस्ट टू डेज टू फॉर दिस बट में कोलैब्स हो गया ऑल दो जैसा कि जब ये टेक ओवर हुआ तो इसमें जरूर आया कि वो जो है वो मंडे से सारी सर्विस जो भी डिपोजिटर्स uh, इन्वेस्टर्स जिनका मतलब पैसा फंसा है वो जो है मंडे से अपनी uh, जो है जो भी ट्रांजेक्शन वो कर सकते हैं बट द थिंग इज़ कि अगर सिलिकॉन वैली बैंक के पास पैसा था नहीं लिक्विडेट लिक्विडेट करने को कोई भी चीज़ दी नहीं विड्रॉल को वो सर्व ही नहीं कर पा रहे थे तो वो मंडे से सर्विसेज किस एंड पे से होगी और किस तरीके से होगी वो जो है वो देखना पड़ेगा बट फॉर श्योर sure, इसकी वजह से मार्केट काफ़ी ज्यादा जो है वो डाउन करेगा एंड स्पेशली अगर इतना ज्यादा बड़ा बैंक इतना पुराना बैंक इस तरीके से कुछ दिनों में स्पेसिफिकली दो दिन के अंदर जो है कदम कंप्लीटली को हो जाएगा बिकॉज उनको बुक्स जो है अपनी सही करनी थी बिकॉज अगेन बिकॉज ऑफ देयर टू कवर देयर एन सो रिसेशन और स्टार्टअप्स और कंप्लीटली इकोसिस्टम सिस्टम कैसे वो करेगा इकोनॉमी फॉर्सोर अफेक्ट sure करेगी इंडिया में देखते हैं कौन कौन से स्टार्टअप से अफेट होंगे क्योंकि जो स्टार्टअप जिनका सिर्फ एक ही जगह पर जो है इन्वेस्टमेंट थी मतलब एक ही जगह से जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज लेते थे अगर सिलकॉन वैल्यू बैंक वॉज फर्स्ट ओनली चॉइस हंड्रेड परसेंट तो उसकी वजह से उनको जो है एक तरीके से हॉल्ट आ जाएगा वुड भी फोर्ट टू रेज मोर मनी हेट लोअर वैल्यूएशन विच विल भी हार्मफुल फॉर दैट और ओवरऑल उनके स्टार्टअप फिर दैन अगेन एम्प्लॉयज कंप्लीट इकॉनमी यू नो दर्कल एंड उस कंप्लीट के बारे में बात करें तो बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो जाएगी बट फॉर श्योर इकॉनमी हिट होगी एंड इंडियन स्टार्टअप इको सिस्टम की भी हिट होगी मेक टू लाइक अगर आपको अच्छा लगा हो एंड फॉलो सब्सक्राइब और लेट मी नो वट यू थिंक अबाउट दिस इन द कॉमेंट सेक्शन एंड सी यू इन द नेक्स्ट